पाक्सा की वेबसाइट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, रजिस्टर एज अ सेलर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। उस नेक्स्ट पेज पे हमसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाएगी। एज अ सेलर जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, क्या इंफॉर्मेशन हमसे इनपुट की जाएगी। तो उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका पासवर्ड है, आपका शॉप का नेम है और आपकी शॉप का URL है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे और नेम जो है मैं अपना यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद आपने नेम लिखने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है। और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा। फ़ोन नंबर मैं अपना जो है यहाँ पे फ़िलहाल अपना डमी फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने अपनी शॉप का नेम बताना है। आपकी शॉप का नेम जो भी आप अपने स्टोर का नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप जो है वो रखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नुमान्स स्टोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय शॉप एड्रेस, ठीक है। शॉप का नेम मेरे ये होगा और शॉप का जो एड्रेस URL है वो यहाँ से वो खुद ही फेच कर लेगा, या आप इसको यहाँ पे कस्टम भी रख सकते हैं लेकिन वो URL पहले रजिस्टर ना हुआ हो। तो ये आप चेक करने के लिए ये खुद ही इसको चेक करेगा और आपको बता देगा कि ये आपका URL अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखते हैं कि ये URL पहले अवेलेबल है, पहले रजिस्टर्ड है या ये अभी हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो URL है ये अवेलेबल है, तो हम इस URL पे जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये हमें नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें कुछ और चीज़ें जो है इनपुट करना पड़ेंगी, कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो हमें यहाँ पे देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें वेलकम जो है वो किया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बेसिक जो है अपने स्टोर की एक जो अपने स्टोर की इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे हमें जो है बेसिकली देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे स्टोर वो पूछ रहा है स्टोर प्रोडक्ट्स पर पेज, यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स, 20, 25, 30 जो आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि आपके पेज पे एट अ टाइम वो कितनी प्रोडक्ट्स शो करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 385B RECHS और ये PIA रोड पे है, और ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सिटी लिख लूँगा, मेरा सिटी लाहौर है और मेरा पोस्टल कोड जो है वो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से है। उसके बाद मेरी कंट्री में मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, और पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी स्टेट बताऊँगा और मैं इस टाइम जो है पंजाब से सेल करूंगा, तो यहाँ पे मैं अपनी स्टेट पंजाब लिखूंगा। उसके बाद इसने पूछा है कि शो ईमेल एड्रेस इन स्टोर, तो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो स्टोर पे शो करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं चाहते तो इसको खाली छोड़ के आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा और अगले प्रोसेस में ले जाएगा। उसमें हमें कुछ बैंक की इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगी कि आपके पेमेंट्स जो हैं वो आपको किस तरह मिले, आपको जो है किस आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे आपसे ली जाएंगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि योर बैंक अकाउंट नेम, ठीक है। तो जिस अकाउंट जो अकाउंट टाइटल होता है आपका बैंक का वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है, और उसके बाद आपने बैंक का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे बैंक का नेम है बैंक इस्लामिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा बैंक का एड्रेस है PIA रोड ब्रांच, ठीक है।
ये इनपुट करने के बाद मुझे अपना यहाँ पे राउटिंग नंबर लिखना है, फॉर एग्जांपल IBAN नंबर लिखना है, और स्विफ्ट कोड लिखने के बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो मेरे ख्याल से ये स्टोर हमारा रेडी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें थी जो हमें इनपुट देनी थी।